हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फरीदाबाद ब्लॉगर चित्रा। मैं हूं आपकी अपनी चित्रा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज डेट है 25th ऑफ अक्टूबर और दिन है फ्राइडे, शुक्रवार। और आज है धनतेरस। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। और बाहर कोई जा रहा है, वो दिए वगैरह बेचने वाले आ रहे हैं ना आजकल दिवाली की वजह से, तो चिल्ला रहे थे वो। तो धनतेरस है आज। और आप लोग बताना मुझे क्या क्या आपने शॉपिंग करी आज, क्योंकि ये वीडियो आपको मिलेगा 26 तारीख को। और आज मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। और एक और चीज़ बता दूं, आज मेरा है बर्थडे। और काफ़ी लोगों को याद होगा, आई नो, और मुझे वो विश भी करने वाले हैं, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से, जिनको याद है। और सुखमीत मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनकी 24 तारीख को शादी हुई है, यानी कि कल, उनको मेरी तरफ से दोबारा से फिर से बहुत सारी बधाइयाँ। आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से खुश रहो अपने हस्बैंड के साथ, आपको बहुत प्यार और लविंग केयरिंग हस्बैंड मिले। तो मुझे प्लीज़, अगर आप बाद में ये वीडियो देखो तो प्लीज़ मुझे बताना सुखमीत कैसा सब रहा। और तो अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मतलब दिखा देती हूँ आपको क्या बनाया है, बना तो लिया है, बस उस रोटियाँ बनानी है। तो चलिए किचन में चलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। सुबह सुबह मैंने जो है नाश्ता बना लिया है, तो क्या बनाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बनाई है आलू की सूखी सब्ज़ी। और मैंने बनाए हैं रात के जो चावल बच गए थे, वाइट चावल बनाए थे, उसको मैंने फ्राई कर दिया है तेज पत्ता। और थोड़ी सी जो सब्ज़ी बनाई थी उसके आलू भी डाल दिए हैं, प्याज टमाटर का छोंक लगा दिया है। बहुत टेस्टी लगते हैं ये बचे हुए चावलों को, आप इस तरीके से फ्राई कर सकते हो। तो अब मैंने ये आटा भी गूँथ लिया है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बस रोटियाँ सेकनी है मैंने। और इधर मैंने बनाया है बूंदी का रायता, तो ये मैंने सब बनाया है। तो युग का हस्बैंड का लंच पैक कर दूँ। चलिए आपसे बाद में मिलती हूँ, हस्बैंड को ऑफिस वगैरह भेज दूँ। इसमें क्या है? आपकी टॉफीज हैं इसमें, हैं? टॉफीज हैं इसमें, इसके अंदर ले लो अपनी टॉफीज, स्कूल नहीं चलना। हेलो, स्कूल नहीं चलना क्या बेटा? जल्दी करो, स्कूल चलेंगे फिर। बोल गए पैसा दे दिए, माल आया नहीं, क्या देख रहे माल है नहीं। मूर्ति नहीं है ना भैया, अंकल आपके पास। सो गाइस, मैं जो है युक्त स्कूल से लाने गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लें दिवाली की भी, क्योंकि हम बाद में खरीदते हैं तो और महंगा मिलता है, तो दो चार दिन पहले खरीद लो तो सही है। वैसे तो मैं एक दिन पहले ही खरीद रही हूँ, दो दिन पहले और पहले खरीद लेना चाहिए, तो मुझे टाइम नहीं लगा था। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी मूर्ति वगैरह देखने, मिट्टी की मूर्ति की पूजा होती है। तो ये कितने अभी की है? देख रही हूँ मैं, चलिए फिर युग को स्कूल से लाते हैं। बेटा एक मिनट, और ये मूर्ति कितने की है गणेश? ये मिट्टी की है ना, कितने की? सही बता, महंगी। ये वाली दोनों? हाँ बेटा, और ये वाली? हाँ बच्चा, उधर वाली ये 70 रुपए की है। और वो जो ब्राउन वाली है वो 150 रुपए, ये 200 रुपए। मिट्टी की है सारी। इसमें सबसे कम वाला कौन सा है? सेकंड वाला। अच्छा, कितने का? और नीचे वाला इससे?
इसको मैं स्कूल से ला रही हूँ और ये देखो क्रैक्स खा रहा है और ये मुझे नहीं दे रहा है, शेयर नहीं करता है। पहले छोटा था ना, सब शेयर करता था, अब शेयर नहीं करता ये कुछ भी। लुक दे दो बेटा मम्मा को, मुझे खाना नहीं है बट मैं इसको सिखाना चाहती हूँ ना कि शेयर भी करते हैं। जब मूड होता है तो अपने आप दे देता है, और ऐसे मैं मांग रही हूँ ना, नहीं देगा। तो चलिए घर चलते हैं और घर जाके बात करते हैं। बच्चे में शेयरिंग क्वालिटी भी होनी चाहिए, सिंगल चाइल्ड जो होता है ना उसमें फिर शेयर करने की हैबिट नहीं होती, तो वही मैं इसको सिखाना चाहती हूँ। चलिए फिर घर चलते हैं। युग को मैं स्कूल से ले आई थी और युग अभी फिलहाल जो है सो गया है, और आज मैंने सुबह में बहुत जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लिया था। ये देखो अच्छे से सब अंदर वो सो रहा है, नहीं तो मैं दिखा देती वरना अभी वो उठ जाएगा। तो आपको मैं होम टूर कराऊंगी जल्दी ही, थोड़े दिनों में दिवाली वगैरह सब निपट जाए उसके बाद मैं आपको होम टूर कराने वाली हूँ। तो आप वेट करना मेरी वीडियो का, क्योंकि काफ़ी लोगों रिक्वेस्ट करते हैं अपना होम टूर कराइए होम टूर कराइए। तो हस्बैंड ने मुझे रात को ही विश कर दिया था 12 बजे, तो उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया अभी तक, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला है उनकी साइड से। ये पिछले साल का गिफ्ट है, इस साल अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मिला है। और एक और चीज़, वो गिफ्ट लेकर आए थे अपने ऑफिस के और मुझे लगा वो मेरे लिए गिफ्ट्स आए हैं और मैं बड़े मज़े से खुश हो रही थी, बट वो गिफ्ट जो है उनको ऑफिस से मिले हैं। तो ऐसे करते हैं हस्बैंड। और एक और चीज़, मैं अभी वेट कर रही हूँ फिलहाल किसी का, क्योंकि कोई आने वाला है आज। कौन आने वाला है आप लोग गैस कीजिए। एक्चुअली दिवाली आने वाली है तो मेरे जो है ब्रदर आ रहे हैं आज, हमारे यहाँ पे दिवाली का सीधा चलता है तो वो वही लाने लेकर आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि वो क्या क्या लेकर आए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। बस मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया है और वो जो आपको सुबह दिखाया था, और मैंने एक आलू भुजी सॉरी पनीर भुजी और बनानी है, तो फिर वो लंच करके जाएंगे और मैं दिखाऊंगी आपको भैया क्या क्या लाए हैं। तो चले फिर मैं भैया से मिल लेती। भैया नहीं आएंगे कैमरे में, सॉरी वो नहीं आ सकते, कंफर्टेबल नहीं है वो कैमरे में, तो मैं अभी फिर फोर्स नहीं करती हूँ। तो चले फिर बाद में मिलती हूँ, मैं भैया को मिल लूँ, क्योंकि अभी अभी उनका पूरा फ़ोन आया था कि मैं आ रहा हूँ तो वो रास्ते में ही हैं। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी आपसे बात कर लेती हूँ तब तक, और मैं यहीं पर गेट पर उनका वेट ही कर रही थी। तो चलिए मिलती हूँ फिर, भैया चले जाएँ थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं 4-5 बजे के करीब। और मैंने लाइव भी जाना है 5 बजे, हाँ 5 बजे का मैंने बोला है, तो मैंने लाइव भी जाना है, तो फिर आपसे लाइव में भी मिलूंगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। सो गाइज, युग भी उठ गया था, भैया आए थे और ये मेरे भैया युग के लिए गिफ्ट लेकर आए थे दिवाली पर, गन है ये। तो ऐसे ऐसे चलते हैं ऐसे ऐसे। और एप्पल्स लाए थे क्योंकि हमारे यहाँ पे खाली हाथ नहीं आते हैं लड़कियों के घर। और ये मिठाई का डब्बा लाए हैं 1 किलो का, अभी अंदर मैंने नहीं खोला है क्योंकि पैक्ड है, तो खोलेंगे बाद में। और युग अपने मामा के आने पे उठ गया था, मतलब मिल लिया वो अपने मामा से। मुझे यही था कि वो सो रहा है, पता नहीं उसके मामा उससे मिल पाएंगे कि नहीं, वैसे तो मामा मामा करता रहता है, और आज ये सो गया है। और हस्बैंड का भी वेट कर रही हूँ, देखते हैं क्या करते हैं मेरे बर्थडे पे। और अभी तो फिलहाल 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अब लाइव, तो बने रहिए आप मेरे साथ। और मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, उससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती हैं। और अब मैं जा रही हूँ लाइव, बर्थडे के दिन लाइव जा रही हूँ मैं, क्योंकि
आज मैंने व्लॉग में नहीं डाला, तो मैंने कहा चलिए आज बर्थडे है तो आप लोगों से मिल भी लेती हूँ। काफ़ी विशेज भी आई थी मुझे। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और आप बताओ आज मैं क्या बना रही होंगी। 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ आपको, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या बना रही हूँ मैं, जल्दी बताऊँ। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ी और साथ में ये आलू प्याज की पकौड़ी बनाई है, वो डालूंगी। और ये लहसुन काट के रखा है और ये मैंने बेसन का घोल तैयार कर दिया है। तो बस इसमें जीरा हो गया है, अब इसमें मैं लहसुन डाल दूंगी। धीमी कर रही हूँ गैस क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है लहसुन जो है। और मैंने आज ट्राईपॉड नहीं लगाया तो इसलिए हाथ से पकड़ना पड़ रहा है मुझे। मैं इसमें डाल दूंगी ये घोल जो मैंने बनाया हुआ है। और आलू प्याज की पकौड़ी मैंने थोड़ी जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना लंबे लंबे, तो उस तरीके से काटी है। प्याज भी लंबे लंबे काटे हैं तो इसको आप हम चला देंगे थोड़ा तेज कर दिए गए। तो कढ़ी तो सबको आपको बनानी आती है तो इसलिए मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया, तो फिर भी मैं बता देती हूँ। दही को मैंने अच्छे से इस बर्तन में बेसन डाल के, दही और बेसन और थोड़ा सा पानी और नमक मिर्च हल्दी वो डाल के घोल दिया और उसको फिर खदकने देंगे हम। कहते हैं सात तूफान के बाद जो है खीर बहुत अच्छी बनती है, तो चलिए मैं बना लेती हूँ, बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। है और इधर बन गई है कढ़ी, ये है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और लाइव जाकर मैं आ गई हूँ, 5 बजे मैं लाइव गई थी और अभी बज रहे हैं शाम के 7। इस टाइम मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और आज नहीं आए हैं, आज मेरा बर्थडे है तो वो अभी तक नहीं आए हैं। और मैं उनका वेट ही कर रही थी कि उनका अभी व्हाट्सएप मैसेज आया है कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, 9-10 बज जाएंगे। मतलब आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद वो और जल्दी आएंगे, बट नहीं, मिस्टर और लेट आ रहे हैं। और युग भी जो है उनको मिस कर रहा था, अभी ये नमकीन खा रहा है, पूछ रहा था मुझसे। हाँ पापा नहीं आए बेटा अभी तक, मतलब जो उनका टाइम है आने का वो तो ठीक है, तब तक तो वेट करना ही होता है, बट उसके बाद का जो टाइम है ना, जैसे 7 बजे का उनका टाइम है और अगर वो 9 बजे तक आएंगे तो वो जो 2 घंटे है ना मेरे काटने मुश्किल हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, बस टाइम काटे नहीं कटता, फिर बस वो आ जाए घर में तभी चैन मिलता है मुझे। और आज तो फिर मेरा बर्थडे है, मैंने सोचा था मुझे गिफ्ट मिलेगा बट शायद वो उन्हें टाइम ना लगे मेरे लिए गिफ्ट खरीदने का, क्योंकि उन्हें ऑफिस में काफ़ी काम है तो इस वजह से वो लेट हो रहे हैं। और यार मैं भी समझती हूँ इस चीज़ के लिए, मैं फोर्स नहीं करती नहीं भाई मुझे गिफ्ट चाहिए चाहिए या ये वो, प्यार सिर्फ इन चीज़ों से नहीं दिखता कि कौन किसके लिए क्या गिफ्ट ला रहा है क्या नहीं। ज़रूरत के टाइम पर अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है तो फिर उस रिश्ते का भी कोई फ़ायदा नहीं है, गिफ्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड वैसे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं तो इसलिए मुझे गिफ्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और सच में मैं अपने ब्लॉग्स में ना दिखावा नहीं करना चाहती कि मैं आपको दिखावा करूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं उनसे स्पेशली गिफ्ट मंगाऊँ, भाई गिफ्ट लेकर आओ मेरे लिए, नहीं। उनका दिल से जब मन होगा या जब उनके पास टाइम होगा तो वो ला देंगे मेरे लिए गिफ्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले साल तो वाइटी नहीं था ना, तब वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था जो फ्रिज के ऊपर एक एंटीक पीस रखा हुआ है, तो इसलिए। हाँ बेटा, और ये बेडशीट मैंने बिछाई है, कैसी लग रही है, ये नई लाए हैं हम दिवाली पर, मैंने आपको दिखाया नहीं है बट अभी दिखा रही हूँ। और दिवाली की जो शॉपिंग है वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्या क्या खरीदने जाएंगे हम, क्या क्या लाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। और मैं कर रही हूँ हस्बैंड का वेट क्योंकि खाना वगैरह, बस रोटियाँ सेकनी है तो खाना बन गया है।
तो चलिए बाय, गुड नाइट। और जिन्होंने मुझे इतना विश किया है, इतना इतना विश किया है, कम्युनिटी पोस्ट भी की है, कमेंट्स भी आए हैं वीडियो पर, और व्हाट्सएप भी किया है, लाइव में भी किया, तो उनको सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ऐसा बर्थडे मेरा पहले कभी नहीं था, इतने सारे लोगों की विशेज जो इतनी दूर दूर रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, टेक केयर।